पहली बात इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि सारे दलों को एक साथ करके आप भाजपा को हरा सकते हैं। ऐसा कोई 2015 के बाद प्रमाण नहीं है। जहां पर भी महागठबंधन बनाया गया है हर जगह भाजपा जीती है। नीतीश कुमार ने बड़ी उम्मीदों के साथ एनडीए का दामन छोड़कर लालू से हाथ मिलाया था और हाथ मिलाते ही ये ऐलान कर दिया था कि 2024 में मैं रहूं ना रहूं मोदी नहीं रहेंगे। नीतीश के इस पाला बदल ने मानो पूरे विपक्ष में जोश फूकने का काम किया था, लेकिन नीतीश, लालू और पूरे विपक्ष की सभी उम्मीदों पर प्रशांत किशोर ने पानी फेर दिया है। दरअसल पी के जनसुराज पदयात्रा के दौरान सिवान पहुंचे, यहां एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया कि सिर्फ महागठबंधन बन जाने से मोदी और बीजेपी नहीं हारने वाली। पीके ने यहां तक कह दिया कि 2015 के बाद हर जगह महागठबंधन बीजेपी से हारा है। तो पहली बात इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि सारे दलों को एक साथ करके आप भाजपा को हरा सकते हैं। ऐसा कोई 2015 के बाद प्रमाण नहीं है। जहां पर भी महागठबंधन बनाया गया है हर जगह भाजपा जीती है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के पलटी मारने पर भी पीके ने तंज कसा। सारे दलों को एक करके एक ही बार भाजपा को हराया गया 2015 में बिहार में। वो शब्द महागठबंधन प्रशांत किशोर ने लिखा है, किसी दूसरे ने नहीं लिखा है। हमने लालू, नीतीश और कांग्रेस को जोड़ा 15 में, यहाँ वो जीत कराई। लेकिन आपने देखा कि महागठबंधन में जीतने के बाद जब मैं यहाँ से चला गया तो नीतीश कुमार 2 बरस में उसको छोड़कर भाजपा में चले गए। दरअसल जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत राजनीति में आने के लिए अशांत हो रहे हैं और लगातार अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के साथ जनसुराज यात्रा भी कर रहे हैं। कोई भी सियासी दल प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर ये जताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बिना पीके ये संभव नहीं है। कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि लालू, नीतीश अगर मुझे भी साथ ले ले तो शायद 2015 की तरह बीजेपी हार जाए। खैर, अपनी अपनी सियासत है और अपना अपना दावा है। देखना होगा कि प्रशांत किशोर के नए दावे के बाद महागठबंधन की तरफ से पीके पर क्या पलटवार होता है। सिवान से चंदन की रिपोर्ट।